फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सामग्री देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली कच्ची अमिया की चटनी बनाने जा रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे कच्ची अमिया की हरी चटनी। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज के कच्ची अमिया ले ली है, जिसे मैंने ऑलरेडी छील के रख लिया है। कुछ धनिया लीव्स हैं, कुछ पुदीना लीव्स हैं, अपने स्वादानुसार आवश्यकता अनुसार हरी मिर्चें ले ली है और एक छोटा अदरक का पीस भी ले लिया है। आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे बारीक चॉप करके मिक्सर में सेट कर लिया है। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अजवाइन लेना है और इसे ड्राई रोस्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इन दोनों को ड्राई रोस्ट करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर अपना मिक्सर, अब इसमें थोड़ा सा हम रिक्वायर्ड जो है वाटर ऐड करेंगे। ये देखिए आप, ये हाफ जो है यहाँ पे ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें हम भुना हुआ जीरा और अजवाइन ऐड करेंगे। स्वादानुसार इसमें नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसमें जो इसकी इस रेसिपी का स्वाद दो गुना बढ़ा देगा, हम इसमें चॉप जो है कैप्सिकम ऐड करेंगे। यकीन मानिए, चॉप्ड कैप्सिकम ऐड करने से आपकी चटनी का जो स्वाद है वो तीन गुना बढ़ जाएगा और इसका जो टेक्सचर है वो भी स्मूथ। अब हम दोबारा से अपना मिक्सर ऑन करके इसको फाइनली ग्राइंड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मिक्सर हमारा प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन अभी ये फाइनली तैयार नहीं हुआ है। इससे पहले, इसको फाइनल लुक देने से पहले हम गैस को फिर से ऑन करेंगे और फिर से इस पर पैन चढ़ाएंगे और इसमें जो अचार होता है, अचार होता है उसमें जो हम तेल डालते हैं वो वाला ऑयल यहाँ पे हल्का सा इसको गरम करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक पैन में थोड़ा सा अचार का तेल ले लिया। अब हम गैस यहाँ पर ऑन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑयल जो है वो हीट हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल से इस चटनी को। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मसालेदार, जायकेदार और स्वादिष्ट एंड हेल्दी चटनी तैयार हो गई। तो अब आप भी इसको घर पर बनाइए। और देखिए फ्रेंड्स, ये मसालेदार, जायकेदार, स्वादिष्ट और हेल्दी चटनी बनकर झटपट तैयार हो गई है। अब आप इसे घर पर बनाइए और पूरे परिवार के साथ इस चटनी का आनंद लीजिए।